नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ संख्या 11 यंत्र मानव के बारे में देखने जा रहे हैं। यंत्र मानव दैट मीन्स रोबोट। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम यंत्र मानव। यंत्र मानव दैट मीन्स रोबोट। हम जानेंगे आज की यंत्र मानव क्या है, यंत्र मानव का शरीर किससे बना है, यंत्र मानव का शक्ति किससे मिलती है, यंत्र मानव कहाँ क्या कब जाकर मिलती कोच गया है, यंत्र मानव का स्वभाव क्या है, यंत्र मानव की विशेषता क्या है। हम जानेंगे मैं एक यंत्र मानव हूँ। मैं एक यंत्र मानव हूँ। मेरा शरीर हार मांस का नहीं, हार मांस का नहीं बल्कि लोहा स्पार्क और प्लास्टिक से बना है। मैं एक यंत्र मानव हूँ। मेरा शरीर हार मांस का नहीं बल्कि लोहा स्पार और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांग भुजा और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। दुबारे तरह अपने हाथों से अंगुलियों से मैं मशीन के गुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उड़ा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। मैं मशीन के गुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उड़ा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। इसका उत्तर मैं एक यंत्र मानव हूँ। मैं ये यंत्र मानव हूँ। मेरा शरीर हार मांस का नहीं बल्कि लोहा स्पार और प्लास्टिक से बना है। आई रोबोट। माय बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स अलोंग विद आयरन प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। ओके, आई एम रोबोट। माय बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स नॉट मेड अप ऑफ बोन्स अलोंग विद आयरन प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। मेरे भी टांग भुजा और अंगुलियां हैं। मेरे भी टांग भुजा और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। आई हैव टर्न्स एंड लेग्स मेड अप ऑफ आयरन। आई हैव हैंड्स एंड लेग्स मेड अप ऑफ आयरन। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। आई कैन वॉक एंड हॉप लाइक अदर्स। आई कैन फिक्स माई पॉट विद माई ओन हैंड्स। आई कैन वॉक एंड हॉप लाइक अदर्स। आई कैन फिक्स माई पॉट विद माई ओन हैंड्स। दुम्हारी तरह अपने हाथों से, दुम्हारी तरह अपने हाथों से अंगुलियों से मैं मशीन के गुच्छे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। मैं मशीन के गुच्छे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। आई कैन कैरी लोड्स एंड डू ऑल अदर वर्क्स। मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और ये तारों में रक्त की जा
सकती हैं। यदि विद्युत द्वारा मुझे काम करती शक्ति देती है, मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और ये तारों में रक्त की जगह विद्युत मीन्स करंट बिजली द्वारा बहती है। यदि विद्युत द्वारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, आई हैव वायर ऑन माय बॉडी व्हिच हैज नेटवर्क, करंट इज पासिंग इन इट इंस्टेड ऑफ ब्लड, दिस करंट इज हेल्पिंग मी टू डू ऑल माय वर्क्स। आई हैव वायर ऑन माय बॉडी व्हिच हैज नेटवर्क, करंट इज पासिंग इन इट इंस्टेड ऑफ ब्लड, दिस करंट इज हेल्पिंग टू डू ऑल माय वर्क्स। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। मस्तिष्क मीन्स ब्रेन। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। बट माई ब्रेन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रेन। बट माई ब्रेन इज एंटायरली डिफरेंट टू योर ब्रेन। माई ब्रेन इज मेड अप ऑफ कंप्यूटर। माई ब्रेन इज एंटायरली डिफरेंट टू योर ब्रेन। माई ब्रेन इज मेड अप ऑफ कंप्यूटर। ओके, मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और ये तारों में रक्त की जगह विद्युत द्वारा बहती है। यदि विद्युत द्वारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, यंत्र मानव की शक्ति किससे मिलती है? यंत्र मानव की शक्ति शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और ये तारों में रक्त की जगह विद्युत द्वारा बहती है। यदि विद्युत द्वारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, यंत्रमानव का शरीर कैसा था? यंत्रमानव का शरीर लोहा, स्पॉट और प्लास्टिक से बना है। यंत्रमानव का शरीर किससे बना है? यंत्रमानव का शरीर लोहा, स्पॉट और प्लास्टिक से बना है। यंत्रमानव का शरीर लोहा, स्पॉट और प्लास्टिक से बना है। इंद्रमान की शक्ति शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और ये तारों में रक्त की जगह विद्युत द्वारा बहती है। यदि विद्युत द्वारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, आई हैव वायर ऑन माय बॉडी व्हिच हैज नेटवर्क, करंट इज पासिंग इनटू इंस्टेड ऑफ ब्लड, दिस करंट इज हेल्पिंग मी टू डू ऑल माय वर्क्स। ओके, नेक्स्ट वन, कंप्यूटर के आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर के आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखों नहीं है। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है, बल्कि मेरे शरीर में कैमरा लगते हैं। मेरे शरीर में कैमरा लगे हैं। मेरे शरीर में रहा माइक्रोस्कोप ही सुनने का काम करता है। मेरे शरीर में रहा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। रहा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। कंप्यूटर के आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। I work according to the computer। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरा लगे हैं। मेरे शरीर में कैमरा लगे हैं। कैमरास आर फिक्स्ड इन माय बॉडी। कैमरास आर
fixed in my body. मेरे शरीर में लगा माइक्रोस्कोप की सुनने का काम करता है. मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है. माइक्रोस्कोप इज इंस्टॉल्ड इन माय बॉडी. लाउड स्पीकर इज वर्किंग इन माय बॉडी. ओके, आई कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर. देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है बल्कि मेरे शरीर में कैमरा लगे हैं. मेरे शरीर में लगा माइक्रोस्कोप की सुनने का काम करता है. मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करते हैं. माइक्रोस्कोप इज इंस्टॉल्ड इन माय बॉडी. लाउड स्पीकर इज वर्किंग इन माय बॉडी. ओके, नेक्स्ट वन, माय बुहा प्यासा बिना कुछ गाये पिए सर्दी और गर्मी में बिना थके और भूख में अकेला 20-25 मजदूरे के बराबर काम कर सकता हूँ. मैं भूखा प्यासा बिना कुछ गाये पिए सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना उबे अकेला 30-25 मजदूरे के बराबर काम कर सकता है. आई कैन वर्क टू इक्वल टू दैट ऑफ 25 वर्कर्स विदाउट ईटिंग ड्रिंकिंग इन द हॉट एंड कूल क्लाइमेट. Without any hesitation, okay. My bhuka pyasa bina kuch paaye diye sardi aur garmi mein bina thake aur bina bhook pe akela 30-25 mazdoore ke barabar kaam kar sakta hu. I can work to equal to that of 25 workers without eating, drinking in the hot and cool climate without any hesitation. Yantra manav ki visheshta kya hai? Yantra manav bhuka pyasa bina kuch paaye diye sardi aur garmi mein bina thake aur bina bhook pe akela 20-25 mazdoore yani workers mazdoore ke बराबर काम कर सकता है. ओके, नेक्स्ट वन, यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ. वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ. यदि किसी भवन में आग लगा जाए तो मैं बिना डरे और घबराए और बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ. वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ. इफ एनी बिल्डिंग कैचेस फायर आई कैन एंटर इजीली विदाउट हिटिंग any catches. Okay, I can save the lives of many people. यदि किसी भवन में आग लगे जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ. वहाँ फंसे लोगों की जान बच सकता हूँ. If any building catches fire, I can enter easily without getting scared. I can save the lives of many people. Okay, next one. मनुष्य के पहले चंद्रमा की तरफ पर जाकर वहां की मिट्टी घोल कर लाया था. इसी प्रकार मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी भी लाया था
मैं सिर्फ गमता का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। मैं भी मनुष्य के पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोदकर लाया था, इसी प्रकार मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी भी लाया था, मैं शिव गंगा का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून, द सेम वे आई वेंट टू मार्स आल्सो। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून, then the same way I went to Mars also. मैं सिर्फ गंध का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। I don't hear the smell of, I don't hear any smell. मैं सिर्फ गंध का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ गंध का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। यंत्र मानव जहां क्या जाकर मिट्टी खोजकर कर गया, मैं भी मनुष्य के पहले चंद्रमा की तरफ पर जाकर वहां की मिट्टी खोजकर लाया था, इसी प्रकार मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी भी लाया था। नेक्स्ट वन, मैं तुम्हारा की खोज हूँ, मैं तुम्हारा की खोज हूँ। दुम पर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे तो आओ, मैं तुम्हारी हर कजरी, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। मैं तुम्हारा ही खोज हूँ, दुम पर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी हाय फौजरी, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। इफ यू ऑर्डर मी टू, इफ यू ऑर्डर मी टू सिट एट होम एंड वर्किंग कंप्यूटर, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर वर्क्स इवन इन योर एब्सेंस। ओके, if you order me to sit at home and working computer, I will take care of all your duties even in your absence. Okay students, yantra manav ka sharir kisse bana hai, yantra manav ka sharir kisse bana hai, yantra manav ka sharir loha, stone aur plastic se bana hai, yantra manav ka sharir loha, स्टोन और प्लास्टिक से बना है। इंद्र मानव का शक्ति किससे मिलती है? इंद्र मानव का शरीर में तारा का जाल बिछा हुआ है और ये तारों में रक्त की जगह विद्युत द्वारा बहती है। यदि विद्युत द्वारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, इंद्र मानव के किससे आदेश पर काम करता है? यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश पर काम करता हूँ। यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश पर काम करता है। यंत्र मानव की विशेषता क्या है? यंत्र मानव भूखा प्यासा बिना कुछ कार्य किए सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना रुपए अकेला 20-25 मजदूरी के बराबर काम कर सकता हूँ और किसी यदि किसी कारण में आग लगा जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ, वहाँ फिर से लोगों की जान बचा सकता हूँ आदि इसकी विशेषता। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंक्लूडेड। होप यू स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड वेरी वेल। आई विल सेंड यू नोट फॉर दिस लेसन, दी सेम हैव टू राइट इट ऑन योर क्लास बुक। धन्यवाद बच्चों।